असलम व्यवर्स उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और सब के लिए कुरान पाक का तर्जुमा अमली ज़िंदगी में मददगार साबित हो रहा होगा व्यवर्सुर इमरान हमारी जारी है चौथे पारा का हमने सातवां रकू शुरू किया था जो कि हमने एक सौ इक्यावन आय तक पढ़ा था आज हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि अल्लाह पाक क्या अर्शात फरमाता है अल्लाह पाक ने इस रकू के पहली दो तीन आयत में क्या इरशाद फरमाया है कि कुफार की पैरवी कभी ना करना क्योंकि वो तुम्हें कुफर की तरफ़ ले जाएंगे और अल्लाह पाक की तुम्हारी मदद करने वाला है फिर अल्लाह पाक ने क्या इरशाद फरमाया अल्लाह काफिरों के दिलों में रोप पैदा कर देता है अपने मोमिन का और वो बग़ैर लड़े ही डरते हैं मोमिन से ये इस वजह से है कि वह अल्लाह से शरीक ठहराते हैं अल्लाह का ऐसे चीज़ों को ऐसे दूसरे ख़ुदाओं ने बनाए जिनकी अल्लाह पाक ने तो कोई दलील नहीं दी है और फिर अल्लाह पाक ने इर्शाद फरमाया कि उनका ठिकाना जहन्नुम है जो कि बहुत ही बुरी जगह है आज देखते हैं अल्लाह पाक क्या इर्शाद फरमाता है आऊबिशाजीम बसमिल्लर रही वाह और लक़द सदा का कुमुल्लाहू बेशक सच कर दिखाया तुमसे अल्लाह ने वादह अपना वादा इज़ जबकि तुम तखसू न हो तुम कतल कर रहे थे उन्हें बेज़ नहीं उसके हुक्म से हता यहाँ तक के ईदा जब फशिल तुम तुम बुजदिल हो गए व तनाज़ा तुम और झगड़ने लगे फिलाम हुक्म के बारे में व आसई तुम और नाफ़रमानी की तुमने मिबा दी इसके बाद मा अरो किसने दिखा दिया था तुम्हें माँ जो ना तुम पसंद करते थे मिन कुम तुम में से बाज दुनिया जो तलबगार हैं दुनिया के व मिन कुम और तुम में से मै युरीदुल आखिर जो तलबगार हैं आखरत के फुम फिर सरफ़कुम पीछे हटा दिया तुम्हें आन हम उनके ताकुब से ले जब तले युम ताकि आजमाए तुम्हें वला क़द और हमेशा अफा उसने वला कद और बेशक अफा उसने माफ़ कर दिया अनकुम तुमको तुम को और अल्लाह ताला लिन बहुत फ़जल फरमाने वाला है मोमिनीन मोमिनों पर अब इस आयत में अल्लाह पाक क्या इरशाद फरमाता है कि इमाम बुखारी ने बराबन आज़िब से जंग अहद का चश्मदीद रिवायत किया है जिससे इस आयत का मफहम बिल्कुल ही वाज़ हो जाता है बरा बिन आजब फरमाते हैं कि किद के दिन जब हमारा मुकाबला मश्रकिन से हुआ तो हज़ूर सल्ला व तीर अंदाज़ों के एक दस्ता को अब्दुल्ला बिन जुबैर की इमारत में दरा पर मुतन फरमाया और उन्हें हुक्म दिया कि चाहे हमें फ़तह हो या शिकस्त तुम किसी सूरत में इस जगह को न छोड़ना जब लड़ाई शुरू हुई तो मुसलमानों ने कुफ़ार को भागने पर मजबूर कर दिया हमने इनकी औरतों को देखा वो पहाड़ में इधर उधर हवास बाख्ता होकर भाग रही थी उनकी खराब हालत थी डर के मारे इधर उधर भाग रही थी जंग की ये हालत थी और मुसलमानों ने गनीमत गनीमत कहना शुरू कर दिया तीर अंदाजों के दस्ते ने भी गनीमत जमा करने में शरीक होना चाहा। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने उन्हें कहा कि ठहरो क्या हजूर सल्ला वसल्लम ने तुम्हें हुक्म नहीं दिया था कि यहाँ से हरगिज़ ना हटना लेकिन वो वहाँ ना ठहरे कुफार ने पीछे से हमला कर दिया और मुसलमानों के सत्तर आदमी शहीद हो गए बरा रजील तन फरमाते हैं कि अबू सुफियान ने ऊंची जगह खड़े होकर हजूर सल्ह वसल्मा का नाम लेकर पूछा क्या तुम में मोहम्मद हैं हजूर सल्ला ने जवाब देने से मना फरमा दिया इसने ये तीन दफ़ा दोहराया फिर उसने तीन बार पूछा क्या तुम में अभी काफ़ा यानी अबू बकर हैं फिर भी हजूर सल्ला सल सल ने जवाब देने से मना फरमा दिया फिर उसने तीन बार पूछा क्या तुम में उमर हैं फिर भी जवाब से इजाज़त ना मिली अबू सफियान ने अपने अहबाब की तरफ मुतवजा होकर खुशी से कहा कि तीनों तो कत्ल हो गए अब उम्र से जब्त ना हो सका आपने फरमाया अल्लाह के दुश्मन तुम झूठ बकते हो तुम जलीलो और हो करने के लिए अल्लाह ने उन्हें बाकी रखा है फिर उसने अपने मबूदों का नारा लगाया जबकि हजूर सल्ला ने फ़रमाया कि तुम कहो अल्लाहु आला व अजला अल्लाह पाक बुलंद और बुजुर्ग है फिर अबू सुफयान ने अज़राय غرور कहा कि मेरे पास तो मेरे बुत हैं यानी अपने बुतों का नाम लेकर कहा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कहो कि हमारे पास हमारा मददगार हमारा रब है क्या खूब शान है मुसलमानों की मोमिनों की कि जो अल्लाह की राह में लड़ते हैं और अल्लाह पाक फिर किस तरह से उन्हें बुलंद मर्तबे अता फरमाता है फिर इस आयत में मुख्तलिफ वाक़ात बयान हुए मुख्तलिफ पॉइंट्स दिए गए कि पहले तो किस तरह से मुसलमानों ने जल्दबाज़ी की गनीमत लूटने में तो उन्हें इस लालच की वजह से शिकस्त उठानी पड़ी लेकिन फिर अल्लाह पाक ने जब उन्हें ख़ूब सरजन सरजन्श की तो उसके बाद अल्लाह पाक ने उन्हें माफ़ भी कर दिया कि अल्लाह पाक ने उन्हें खुशखबरी सुना दी कि तुम्हारी इस खता को तुम्हारे मौला करीम ने माफ फरमा दिया है बेशक अल्लाह पाक मोमिनों पर अपना फजल और करम फरमाने वाला है इससे यह वाज हुआ कि जिनसे ये लफ्जिश हुई वो मोमिन थे अब जब अल्लाह पाक उन्हें मोमिन कहे और उनकी लग्जिश को माफ कर दे तो आज कौन है जिसे ये हक पहुंचता हो कि उन नफूस कुदसिया के ईमान में ज़रा भी शक करे अल्लाह पाक कभी भी मोमिन को अकेला नहीं छोड़ता है जो उसकी राह में लड़ते हैं अल्लाह पाक उन्हें बुलंद मरतबे अता करता है अल्लाह पाक हमें भी मोमिन बनने की तोफ़ीक़ आफ़रमाए अल्लाह की मानने की तोफ़ीक़ आफ़रमाए आज का लेसन यहाँ तक ही नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़